वह मैंडेट एनडीए को दिया था और जेडीयू का भी और नीतीश जी का भी नेचुरल अलायंस वो एनडीए ही है। इसलिए यह हम सब के लिए हर्ष का विषय है कि उनका वापस आना ये बिहार के लिए और एनडीए के माध्यम से बिहार के विकास के लिए ये एक सुखद समाचार भी है और हम सब के लिए हर्ष का विषय है। यह भी ऑन रिकॉर्ड है कि जब जब एनडीए की सरकार आई है तब तब बिहार में स्टेबिलिटी और विकास की गति ने नई छलांग लगाई है। अगर हम देखें तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे हेल्थ का स्ट्रक्चर सेक्टर हो या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, सभी मामलों में जब जब एनडीए ने लीड किया है और एनडीए की सरकार आई है तो बिहार हमेशा विकास की गति को एक अपने आप में गति मिली है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर एक तरीके से चरमरा रहा था। आज जब भारतीय जनता पार्टी के साथ और एनडीए का अलायंस बनता है तो स्टेबिलिटी आती है और उसी से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा एक अहम भूमिका भी रहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब ये डबल इंजन की सरकार में उन्होंने जो निश्चय लिया है उसके बहुत ही अच्छे प्रमाण और अच्छे प्रभाव बिहार के दृष्टि से होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में बिहार लोकसभा में स्वीप करेगा और एनडीए स्वीप करेगा और विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनना निश्चित रहेगा, ये हम महसूस करते हैं। जहां तक इंडिया अलायंस का सवाल है, हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, ये अनसाइंटिफिक अलायंस, ये अलायंस चलने वाला नहीं है। और ये जो पहले भारत जोड़ो यात्रा थी जो अपने आप में एक तरीके से बेनतीजे समाप्त हुई, और ये जो अभी इनकी अन्याय यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा है और ये जो इंडिया अलायंस है, ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। बंगाल में इसको ममता जी ने अच्छा पलीता लगाया, पंजाब में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं और बिहार में जो हुआ है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि इंडिया अलायंस जो ये अलायंस था वो कॉन्सेप्ट वाइज भी और धरती पर उतरने से पहले ही यह बिफर गया है और बिखर गया है। और यहां यह भी मैं कहना चाहता हूं कि यह इंडिया अलायंस कोई और अलायंस नहीं था, ये अलायंस परिवार बचाओ अलायंस था, ये अलायंस प्रॉपर्टी बचाओ अलायंस है, ये अलायंस जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनका जमावड़ा है और यह अलायंस तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला अलायंस है। और आज भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ज्ञान की ओर आगे बढ़ रही है, गरीब कल्याण, युवाओं का उत्थान, अन्नदाता के साथ आगे बढ़ने का निश्चय और नारी शक्ति को सशक्त करना, इसके तरफ मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए इंडिया अलायंस का जो हुआ है वो आप सबके सामने है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में ये जो सरकार एनडीए की बनी है,
नीतीश जी के नेतृत्व में, इसमें स्टेबिलिटी आएगी, इसके कारण विकास को नई गति मिलेगी। डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से बिहार को आगे बढ़ाने में सक्षम रहेगी और एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी है। और इसके साथ साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ, इसको लेकर के चलने वाला ये जो मंत्र है, इसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए उज्जवल विकास के लिए और उज्जवल बिहार के लिए यह जो नई सरकार एनडीए की बनी है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक उज्जवल बिहार को बढ़ाने में सक्षम रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। हम स्वीप करेंगे लोकसभा का चुनाव, बिहार में हम सभी सीटें जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान, किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखें मेरे यानी चिंता त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, नौ सभी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान, किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखें मेरे यानी चिंता त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, नौ सभी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।